गाजीपुर से सुभाष कुमार पत्रकार की रिपोर्ट। मॉडलिंग और फैशन की दुनिया में गाजीपुर की मधु ने रचा इतिहास। वाराणसी के दो स्टार होटल में मुंबई की संस्था की तरफ से मिस्टर मिस मिसेज नॉर्थ इंडिया 2022 के फैशन शो का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में गाजीपुर महिला विकास मंच की अध्यक्ष मधु यादव को मिसेज एक रन ऑफ नॉर्थ इंडिया के खिताब से नवाजा गया। कार्यक्रम के आयोजन से पूर्व लखनऊ, पटना, दिल्ली, कानपुर और आजमगढ़ में इस तरह के कार्यक्रम करने वाली सभी संस्थाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका पहली बार वाराणसी में मिला। इस बात की जानकारी होने पर जिले के रहने वाले युवा काफी उत्साहित रहे। मधु के जनपद पहुंचने पर शहर के एक मैरिज हॉल में उनका भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर महिला विकास मंच के सभी पदाधिकारी व स्थानीय लोग मौजूद थे। इस कार्यक्रम में बबलू जायसवाल, धर्मेंद्र जायसवाल, अमित सिंह, मिराज, राजेश गुप्ता, शिवजी शर्मा, संपत भारती, हिमालय जायसवाल, नीलम सिंह, आलमगीर रायनी व मधु के पिता भूतपूर्व सैनिक महेंद्र सिंह यादव ने मधु को गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। एक नया चेहरा दिख रहा है पूर्वांचल की मीडिया में, मेरे हिसाब से। अपना परिचय बताएं, आप कौन हैं, कहाँ की रहने वाली हैं? नमस्कार, मेरा नाम है मधु यादव और मैं आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ। मेरी शिक्षा दीक्षा आर्मी बैकग्राउंड में हुई है और जैसे मेरे पापा आर्मी से थे तो हम हमेशा से बाहर ही रहे हैं। फर्स्ट क्लास से लेके मैंने अपना ग्रेजुएशन पूरा मैंने बाहर ही किया है। अलग अलग जगह हमारी ट्रांसफ़र होती थी तो वहीं से मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है। और मुझे मॉडलिंग में इंटरेस्ट हमेशा से रहा था, स्कूल टाइम की एक्टिविटीज़ से। फिर मैंने साइकोलॉजी में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। फिर एक झुकाव हमेशा से मॉडलिंग की तरफ रहा है और फिर मैंने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया फिर ग्रेजुएशन के बाद। तो मैंने वहाँ पर एज अ फैशन कंसल्टेंट काम किया दिल्ली में और हैदराबाद में। तो मैं काफ़ी मॉडल्स की ड्रेस डिज़ाइन करती थी और मुझे भी मेरी हाइट की वजह से, पर्सनालिटी की वजह से चांस मिलता था तो मैंने काफ़ी स्टेज शोज भी किए। तो और फिर जैसे योगा ट्रेनर में रही पतंजलि में, एक फिटनेस की वजह से उस पर भी झुकाव हमेशा से रहा क्योंकि सारी जो फील्ड्स होती है एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो वहाँ पे और एट प्रेजेंट मैं यूट्यूबर भी हूँ और अभी मैं महिला विकास मंत्री जिला अध्यक्ष बनी हूँ तो एक गौरव की बात है मेरे लिए। और जब महिला विकास मंत्री जिला अध्यक्ष बनी शादी के बाद, जैसे अभी मैं मैरिड हूँ और मेरी बच्ची है, तो ऐसे में महिलाओं को ये बताना चाहूँगी कि जो भी महिलाओं के अंदर प्रतिभा है उसको हमेशा बनाए रखें। जैसे कभी कभी महिलाएं कहती हैं कि नहीं, सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं या समय नहीं मिल पाता, तो कुछ समय जैसे महिलाएं टीवी में देती हैं, यहाँ वहाँ गॉसिप्स भी देती हैं, तो उसे ना दे के अपने ऊपर थोड़ा सा काम करें, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करें और अपडेट रहें समाज में क्या हो रहा है उससे और हर न्यूज़ से, ताकि आगे आपको लाइफ में कुछ भी करना हो तो आप तुरंत उस चीज़ को क्लिक कर सकें और फिर उस चीज़ पर जा सकें। तो मुझे भी जैसे ग्लैमर प्रोडक्शन ने ये शो ऑर्गेनाइज़ करवाया था बनारस में, तो मैं गाजीपुर की हूँ और यहीं पे थी तो मुझे लगा कि नहीं, गाजीपुर बनारस में हो रहा है तो चांस को मिस नहीं करना चाहिए। क्योंकि बनारस में देखा जाता है कि पास में है लेकिन ऐसे शो ऑर्गेनाइज होते नहीं हैं। शो ऑर्गेनाइज होते हैं दिल्ली में, आपको जाना पड़ेगा बॉम्बे, पटना, अलग अलग बड़े बड़े सिटीज़ में जाना पड़ेगा, तो रहना और फिर बहुत सारे होते ना फैमिलीज फिर अलाउ नहीं करती। अभी आप गाजीपुर में हैं, गाजीपुर आपकी होम सिटी है? हाँ जी, मैं यहीं पैदा हुई हूँ। तो गाजीपुर में आपको महिलाओं की जिम्मेदारी दी गई और आपने जो प्रोफेशन अपनी लाइफ में देखा समझा, उस प्रोफेशन का भी इसी समय आपको मौका मिला, आपने उसमें अपना टैलेंट दिखाया और उसको में आपको एक पहचान दिलाने का भी मौका मिला, उसको पहचान मिली भी आपको। अभी आपको गाजीपुर के महिलाओं और लड़कियों, तो मैं गाजीपुर की हूँ और यहीं पे थी तो मुझे लगा कि नहीं, गाजीपुर बनारस में हो रहा है तो चांस को मिस नहीं करना चाहिए। क्योंकि बनारस में देखा जाता है कि पास में है लेकिन ऐसे शो ऑर्गेनाइज होते नहीं हैं। शो ऑर्गेनाइज होते हैं दिल्ली में, आपको जाना पड़ेगा बॉम्बे, पटना, अलग अलग बड़े बड़े सिटीज़ में जाना पड़ेगा, तो रहना और फिर बहुत सारे होते ना फैमिलीज फिर अलाउ नहीं करती। अभी आप गाजीपुर में हैं? हाँ जी। गाजीपुर आपकी होम सिटी है? हाँ जी, मैं यहीं पैदा हुई हूँ। तो गाजीपुर में आपको महिलाओं की जिम्मेदारी दी गई और आपने जो प्रोफेशन अपनी लाइफ में देखा समझा, उस प्रोफेशन का भी इसी समय आपको मौका मिला, आपने उसमें अपना टैलेंट दिखाया और उसमें आपको एक पहचान दिलाने का भी मौका मिला, उसको पहचान मिली भी आपको। अभी आपको गाजीपुर के और महिलाओं और लड़कियों से कितनी लोगों से मिली हैं, इस आपके शो और इस प्रोग्राम के को लेके लोगों में कितनी एक्टिविटी है या क्या उम्मीद आप रखती हैं गाजीपुर से? गाजीपुर का आपने परचम तो लहरा लिया लेकिन आपने सब कुछ दिल्ली से शुरू किया था,
लेकिन गाजीपुर में 10,000 से लेकर 1,00,000 लड़कियां ऐसी रहती हैं जो किसी शहर में भी उनकी रात नहीं बीती होगी, ऐसी कमरा नहीं देखी होगी, तो आप इस जिले में कैसे डेवलप कर पाएंगी, लोगों को कैसे जागरूक कर पाएंगी? देखिए बात वो नहीं होती कि मतलब मैं कैसे रही, मैं हर मैंने मेरा जो स्वभाव बोलेंगे कि मैं हर जगह एडजस्ट कर लेती हूँ। अब मैं दिल्ली आपकी बात मैं नहीं कर रही जी, बात बोल रही हूँ, मैं अपने ग्रुप की बोल रही हूँ कि जैसे कि मैंने हर जगह एडजस्ट किया, मैं बड़े शहर से आई, काम किया, फिर मैं गाजीपुर में रह रही हूँ, तो ऐसे ही लड़कियों को भी मतलब छोटे शहर से निकल के मतलब पेरेंट्स का सबसे बड़ा मैं ये कहूँगी कि पेरेंट्स को थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए बच्चों को अपने, क्योंकि आज माहौल दूसरा हो गया है। अगर आप अपडेट नहीं रहेंगे, क्योंकि गाजीपुर में भी काफ़ी फैसिलिटीज़ हो चुकी हैं, अब जैसे बनारस में ग्रामर प्रोडक्शन ने ऑर्गेनाइज़ किया, तो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को मेट्रो सिटी जाने की ज़रूरत है हर जगह, अब उस टाइम पर ऐसा नहीं था। तो मैं नहीं रहती थी जी। 80% परिजन मेरा नाम महेंद्र सिंह यादव है, आर्मी में रेडियोग्राफर में था, सुविधा से मेरे घर 30 साल में सर्विस किया आर्मी में, आर्मी मेडिकल कोर। सवाल यह है पिताजी कि तकरीबन 20 सालों से गाजीपुर ज़िले के हजारों लड़के और लड़कियां कोचिंग के नाम पर देश के विभिन्न शहरों में जाते हैं, करोड़ों रुपये हर महीने खर्च करते हैं, एक भी DM नहीं हुआ, एक भी IS BCS नहीं हुआ। आपकी बच्ची ने दिल्ली में रहकर एक अलग ही जाब में अपना स्थान बनाया है, पूर्वांचल स्तर क्या प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान का मामला है। आपको क्या महसूस हो रहा है, लाखों परिजन एक तरफ हैं और आप अकेले हैं, किस तरह की खुशी का अनुभव हो रहा है, या आपने जो निर्णय लिया अपनी बिटिया के लिए कि इस तरीके से ही आगे जाएगी, कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं इसकी सोच के ऊपर काफ़ी वो करता हूँ, अच्छी सोच रखती है और उसका मैं प्रोत्साहन देता हूँ, जो मेरी सोच थी तकरीबन मिलती जुलती है। मैं जो सोच रहा था सबका भलाई हो, सबका मतलब किसी को दुखी न रहे, आजकल लोग एक दूसरे को लड़ाने या एक दूसरे को खींचने में ज़्यादा दुखी हैं, एक निंदा में, वो इसके अंदर भी नहीं है, मेरे अंदर भी नहीं थी। अब चाहे मदर फादर का वो समझिए, चाहे वो भी समझिए, और मैं भी जब मेरे पास कोई पेशेंट आता था और दोबारा पेशेंट मेरे से मिलता था, मेरा बड़ा कष्ट होता था, यार दवाई दी गई क्यों ठीक हुआ, क्या प्रॉब्लम, क्या कमी आ गया। अब उसी से मिलता जुलता है इसका वो है कि कैसे लोगों को, आपने इनका मिजाज आपसे मिलता था, सोच थी, इसलिए इनको आपने मौका दिया। और मैं आप और परिजनों को जो जिले की और सारी बच्चियां हैं, लाखों बच्चियां हैं जो ये काम करना चाहती हैं, इस जॉब में आगे बढ़ना चाहती हैं, अपने को आगे करना चाहती हैं, लेकिन उनके पास कोई ग्रेविटी नहीं है, उनका कोई बैकअप नहीं है, उनके परिजन उसका साथ नहीं देते, आप किस तरह का संदेश लोगों को देना चाहेंगे ताकि उनके बच्चे भी आगे निकल सकें, वो विश्वास करें, आप पे विश्वास करें, इन बच्ची के बहादुरी पे विश्वास करें और अपने भी बच्चों को मौका दें, इस तरीके की कोई सोच है आपकी? इस तरह की सोच मेरे पास में यही है कि लोगों को जागरूक मैं करता हूँ कि मीन माइंडेड को छोड़ करके अच्छी सोच रखें और अच्छा विचार रखें, किसी को नुकसान न पहुँचाएँ, सबकी भलाई के बारे में सोचें। आप जब सबकी भलाई के बारे में आप सोचेंगे तो आपके भलाई ठीक होगी।